वेलकम टू स्कॉलर्स इंग्लिश एकेडमी फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए अभी अभी जो हाल ही में एक दो घंटे पहले जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है उसका मैं आंसर शीट लेके आया हूँ। जो सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन ये, और एक बात बता दूँ, यह जो ग्रुप जो है आपका जो है, यह ग्रुप आपका एच है। कौन सा ग्रुप है आपका? एच, ये आपका एच ग्रुप है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपका, जो इसमें पहला क्वेश्चन, सी एच में पाई सॉरी सिग्मा बॉन्डों की संख्या है, तो सिग्मा बॉन्डों की सी एच फोर में जो है चार है, सही आंसर ए है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लोहे का मुख्य अयस्क है, तो दो का जो सही आंसर है वो आपका डी है, क्योंकि मैग्नेटाइट सीरेटाइट हेमेटाइट सबका अयस्क तीनों का है लोहा, लोहे का मुख्य अयस्क तीनों होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो थ्री है, पेट में अत्यधिक अम्ल को तो बनने से रोका जा सकता है, तो पेट को अत्यधिक अम्ल बनने से जो रोका जा सकता है, तीन का सही आंसर आपको ये है एंटासिड यानी प्रति अम्ल, तीन का सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो जो जलांशित होकर तीन से लेकर दस मोनोसैकेराइड्स प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों वो उसे कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में सही आंसर जो है इसका सी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच, अमोनिया आदर लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, तो अमोनिया आदर लाल लिटमस पत्र को है नीला रंग में बदल देता है, इसका सही आंसर जो है ए है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर आपका छः, डेटॉल उपयोग किया जाता है, डेटॉल जो है सभी के लिए उपयोग किया, छः का सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर सात, एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप में प्रतिस्थापित किए, तो सात का जो सही आंसर है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी क्वेश्चन नंबर ए, सात का सही आंसर ए। आठ नंबर की ओर बात करते हैं एल्कोहल का के लिए, एल्कोहल इस बार तो केमिस्ट्री में बहुत सारे आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको कितना सही हो रहा है स्कोर करके मुझे नीचे बताइए। आठ नंबर जो क्वेश्चन, आठ का जो सही आंसर है OH, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन है, उजला और पीला फॉस्फोरस है, तो उजला और पीला ये भी कोई क्वेश्चन है। नौ नंबर जो क्वेश्चन, नौ का जो सही आंसर है वो ए है, अप्रूव, नौ का सही आंसर हमारा ए। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दस, दस का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो मिल के होता है वो अधातु होता है, अधातु, इसका सही आंसर बी। ब्यूना एंड तथा ब्यूना एस है, तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो है वो संश्लेषित रबर है, संश्लेषित रबर यानी सही आंसर 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एकल आण्विक है, तो एकल आण्विक जो है 12 का जो सही आंसर है वो हीलियम, एकल आण्विक हीलियम होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 20 का सही आंसर बी है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक फेराइड विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, ये तो क्वेश्चन और ऐसा है, इसका 13 का सही आंसर बी, 96,500। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सुक्रोज का सूत्र है, तो सुक्रोज का जो सूत्र होता है वो C12H22O11, तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। अगले क्वेश्चन 15, एक विधि जिसमें किस धात्विक अयस्क को हवा की अधिकतकता के उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जा सकता है उसे कहते हैं, तो 15 का जो सही आंसर है आपका वह है ए, हाइड्रोजन कहते हैं उसे, 16 का। और ये जो आंसर शीट है एक एक बहुत सही है, इसमें एक भी गलत नहीं है, एक भी त्रुटि नहीं है, 100% सही है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो नीचे लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उस पर दबा के सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि अगला सब्जेक्ट या वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला जो 16 नंबर जो क्वेश्चन का, CH3COOH का IUPAC नाम का, इस बार क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछ रहा है, तो अगला जो 16 का जो आपका सही आंसर है वो है इथेनोइक एसिड, 16 का सही आंसर बी है। 17 नंबर, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त तत्वों की संख्या है, तो आवर्त सारणी आवर्त संख्या द्वितीय की जो होती है वो 8 होती है यानी सही आंसर 17 का बी। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, अमोनियम H2SO4 को साथ लैब कौन सा अन्य उपस्थित है, इसे थोड़ा ब्लोर हो गया है, तो 18 का जो सही आंसर है आपका बी है SO3। अगला क्वेश्चन है एफिस
एफी एफी सी एन सिक्स में एफी की ऑक्सीकरण संख्या है, तो 19 का जो सही आंसर है वो है +2 यानी ए। क्वेश्चन नंबर 20 की, अगर आपका ग्रुप दूसरा है तो वीडियो को रोक रोक के आप लोग आंसर मिलाते रहें। 20 का जो है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का जो शोधन है निम्नलिखित में से किया जाता है ए वैद्युत अपघटनी शोधन यानी इलेक्ट्रोलाइन रिफनिंग। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, 21 है K3Fe CN6 एक है, तो Fe CN6 है वो है उपसहसंयोजक यौगिक। क्या है? उपसहसंयोजक यौगिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, CH3CH2NCH2 को कहा जाता है, तो NCH2 को कहा जाता है इथाइन एमीन। इसका जो सही आंसर है वो ए है। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 23 नंबर जो क्वेश्चन H2SO4 है, यह तो 10th क्लास का क्वेश्चन, लेकिन केमिस्ट्री में इस बार बिहार बोर्ड में बहुत आसान पूछा है, जो पिछले पिछले साल तो बहुत हार्ड था लेकिन इस बार आसान है। तो H2SO4 जो है 23 का, वो इसका द्विभाषी कम है। सही आंसर 23 का ए। बच्चों अगला क्वेश्चन, NH3 में N प्रसंस्करण है, यह तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, तो 25 हीलियम का सूत्र होता है, यह भी कोई क्वेश्चन है? हीलियम का सही आंसर हीलियम का सूत्र है, ये तो आप लोग भी बता सकते हैं। 26 का आंसर क्या? आवर्त सारणी के ग्रुप ए के तत्वों को जाना जाता है, ए के तत्वों को जाना जाता है, यानी 26 का जो सही आंसर है क्षारीय धातु। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर थोड़ा डिलीट हो गया है। संकरण तत्वों के कौन कौन नाम से जाना जाता है? संकरण तत्वों को जो 27 नंबर जाना जाता है वो है एफ ब्लॉक के नाम से, 27 का डी। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 को OH यौगिक का नाम है, तो OH 28 का जो सही आंसर जो है आपका भी है, इसका सही आंसर फिनॉल है। अगला, ये सब बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, पॉलोथीन एक बहुलक है, तो 29 का जो सही आंसर है वो पॉलोथीन यानी इथीन यानी बी, 29 का बी। 30 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, तो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र है वो आपका HNO3 है, या तो यह भी 10th क्लास का क्वेश्चन। इस बार बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है बिहार बोर्ड में, यानी मानो CBSE वालों को तो कुछ ना कुछ होगा, कितना आसान आ रहा है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? देखिए बच्चों, यह कोई क्वेश्चन है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का यानी न्यूट्रल पीएच मान कितना होता है? तो 7। यह इस बार का BPSC का क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन लेकिन चेंजिंग थे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 32, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है? तो एकत्र जल पर जो नहीं की जा सकती है O2 गैस, ऑक्सीजन को एकत्र नहीं किया जा सकता है। अगले 33 में क्वेश्चन जो है PCl5 एक एक है, यानी 33 का जो आंसर है ऑक्सीकारक, PCl5 एक ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन है 34, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल जो तैयार किया जाता है यानी 34 का जो सही आंसर है वो है आपका बी, ओस्टवाल्ड विधि से यानी ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। और लास्ट क्वेश्चन है 35, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, तो ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं यानी बुखार को ज्वरनाशी, यानी ज्वरनाशी तो सही आंसर ये है 35। आपको जरूर वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग भी सब्सक्राइब करें, थोड़ा मुझे ऊपर लाएं, और आप वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और जो भी कमेंट में अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं हमें, और धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।